चलिए एक और निमसेट 24 के टॉपर से मिलते हैं, करण जैन से, जिनका ऑल इंडिया 24 रैंक है, जो कि हरिद्वार से हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ इतनी अच्छी रैंक अचीव की है। तो सबसे पहले करण, आपको इस रैंक के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो करण, आपने पूरी पढ़ाई जो है फाइनल ईयर के साथ निमसेट को इतनी अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया, और आपने आपकी सक्सेस जर्नी क्या, क्योंकि हर बच्चा जब ऐसा इतना अच्छा स्कोर लाता है तो वो जानना चाहता है दूसरे बच्चे जूनियर्स की किस ढंग से पढ़ाई की, कैसे मैनेज किया, कब निमसेट के लिए सोचा था। मैं चाहूंगा आप ये डिटेल में बताएं। सर मैंने अपनी सर 10th तक मेरा मतलब सर 10th में यूके बोर्ड था, मतलब सर इंग्लिश मीडियम ही था बट यूके बोर्ड था। फिर सर 12th में सीबीएसई, तो सर 10th में 87.4% थी मेरी। फिर सर 12th में 93%, बट सर मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत मतलब सर वो समझ आती थी बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, आगे फ्यूचर का कुछ स्कोप नहीं था मेरे को। तो मैथ्स में ही मैंने सोचा मैं कुछ अपना फ्यूचर बनाऊँ उसमें। तो फिर सर मैंने ऐसे ही सर बीएससी में एडमिशन ले लिया, और फिर सर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना है। थोड़ा जेई की प्रिपरेशन वगैरह की बट सर वो उसमें कुछ रैंक अच्छी नहीं आई, लैक्स वगैरह में थी, तो काफी डिमोटिवेशन आया। फिर सर थोड़ा सर्च करा तो निमसेट का पता चला। फिर सर मैंने थोड़ा टॉपर वगैरह देखे थे, तो सर 6th रैंक आपके यहाँ से आ रखी थी हरिमोहन भैया की। तो फिर सर मैंने तभी मतलब नेक्स्ट डे ही ज्वाइन कर लिया था एमपी टेस्ट को। तो फिर आपने दोनों पढ़ाइयों को कैसे मैनेज किया, कॉलेज की भी सर और निमसेट की पढ़ाई को? अक्सर फाइनल ईयर वाले बच्चे इस बात को सोचते हैं कि हम पता नहीं फाइनल ईयर के साथ निकाल सकते कि नहीं, पर आपने दोनों मैनेज किया, दोनों को इतने अच्छे से इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो कैसे किया आपने? सर स्टार्टिंग में तो 1.5-2 महीना कॉलेज का कुछ नहीं था, मतलब खाली एग्जाम्स देने जाना होता था और थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस होती थी, बहुत ज्यादा अटेंडेंस का इश्यू नहीं था। तो सर 1-1.5 महीना पढ़ा और टेस्ट वगैरह दिए, तो थोड़े मतलब अच्छे मार्क्स आ जाते थे, थोड़ा बूस्टअप मिला कि हाँ हो सकता है मेरे को। मतलब सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, हमेशा से यही कमी थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। फिर सर फिर एग्जाम्स आ गए थे, सेमेस्टर एग्जाम, तो सर 1 से 1.5 महीने का गैप हो गया था, तो वो काफी छूट गया था। फिर वो सर रात को मतलब एक्स्ट्रा उठकर ऐसे कंप्लीट कर लिया था वो 1.5 महीने का जो कोचिंग में रह गया था। फिर सर दोबारा टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट करे पुराने भी, और दोबारा मल्टीपल टाइम्स दिया उसमें, 3 और 4 अटेम्प्ट रहते हैं तो दोबारा दिया, तो उनमें मतलब अच्छा स्कोर आ जाता था। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा हो सकता है, तो मतलब छोड़ना नहीं था कि एंड तक बने रहना है। फिर सर मतलब ऐसे सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे 1-1.5 महीने का गैप हुआ मेरा, बट सर मैंने कंटिन्यू रखा। और थोड़ा मतलब सर और भी काम होता है लाइक घर में, तो फिर मैंने रात को कभी 1:30 तक उठ के कभी सुबह जल्दी उठ के इस तरह से मैनेज किया सर। चलो, अच्छा आप ये बताओ, आप जब आप क्लासेस पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, टेस्ट देते थे, तो क्लासेस को किस ढंग से अटेंड करते थे, टेस्ट पेपर को कैसे एनालिसिस करते थे? क्लासेस को सर एक तो सर मेरे को हैबिट है हमेशा से, मतलब बहुत प्रॉपर नोट्स बनाना अच्छा लगता है मेरे को, तो सर मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया। जो भी मतलब सर आप जो बोलते थे वो भी चीजें बहुत ध्यान से सुनी, कई बार छूट जाती थी तो ऐसे बैक करके वीडियो को दोबारा सुना कि सर क्या बोल रहे हैं, वो नहीं छूटना चाहिए जो दूसरे बच्चे सुन ले मेरे को ना पता चले, भले ही एक दो क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सर का बोलना वो नहीं छूटना चाहिए। तो वो सर फॉलो करा सारा ही, तो मतलब सर अब पढ़ाई के साथ साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आप चीजें बताते थे, मतलब वो ज्यादा इम्प्लीमेंट करी तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिला है मेरे को कि एनालिसिस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें थी जो आप बोलते थे वही करने पे थोड़ा रिजल्ट दिखाई देता था। तो उस तरह से सर आपको फॉलो किया और बस सर तो यही करा। आप, अब आप ये बताओ, आपने सारे टेस्ट दिए होंगे, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते कई बार, या टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। हमने इस बार जो टेस्ट सीरीज रखी थी, फाइनल पेपर बहुत सरप्राइजिंग, हर तरह के पेपर थे, उसका कई बच्चों ने बेनिफिट उठाया, कई बच्चों ने एक्चुअल में प्रेशर में आ गए। तो जब आप निमसेट देने गए, तो क्योंकि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, तो आपको कैसा फील आया, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, 70 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, उसको कैसे मैनेज किया, और पेपर में एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल किया? सर टाइम का जो चेंज हुआ था वो तो सर आपने पहले से ही करा दिया था, और वो मेरे को ज्यादा बेनिफिशियल लगा अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा सेक्शन मतलब LRB हो जाती थी मेरी, मतलब ज्यादा ही हमेशा स्कोर आता था, बहुत ही डिफरेंस रहता था मेरे में और दूसरे बच्चे जिनकी रैंक भी मेरे से ज्यादा होती थी, तो LR में काफी अच्छा हो जाता था। और वो सर जब आपने पहले शिफ्ट कर दिया था वो टाइम वाली चीज चेंज कर दी थी, तो हमने वो 3 महीने सर पहले ही पहले से कर ही हो दिया गई था थी वो। हमारी। हाँ जी सर, उसकी प्रैक्टिस थी और उसमें स्कोर भी अच्छा आ रहा था, नॉर्मल जो 2 आर की ड्यूरेशन वाला होता है उससे नॉर्मल में वो टाइम वाला में ज्यादा अच्छा हो पा रहा था जो आपने बनाया था। फिर सर रियल एग्जाम भी वही आ गया, तो मेरे को तो काफी खुशी हो रही थी कि वैसे ही बन गया है। और सर एग्जाम में मेन एग्जाम में क्या हुआ था सर, स्टार्टिंग में मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे, 2-4 मिनट तो मैंने कुछ किया ही नहीं सर वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर लैपटॉप पे दिया था डायरेक्ट वहाँ पर, मतलब ठीक है, कंप्यूटर पे डायरेक्ट।
फोन पर ही हमेशा हैबिट थी, तो सर फोन पे स्मूथली एकदम हाथ चलता है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आया, थोड़ी स्पीड भी लो हो गई, और कुछ क्वेश्चन आते थे उन्हें हाथ भी नहीं लगाया सर, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए, मतलब बिल्कुल, मतलब वो देख के ऐसे कि सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया, और फिर उन्हें मौका ही नहीं लगा, तो थोड़ा टाइम का इश्यू हो गया था, तो मतलब लैपटॉप पर देने चाहिए टेस्ट, तो वो मेरा थोड़ा डिसएडवांटेज लगा मेरे को। बाकी सर जो भी आपने बताया था वही सब हमेशा घर में टेस्ट में फॉलो करी थी मैंने, तो मेरे को फिर वहां कुछ नया लगा ही नहीं कितने मार्क्स थे आपके बेटा इनसेट में? अभी 24 में कितने आए? 24 रैंक के सर। लिए 610 610। अच्छा, आपका इम्पीटस के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप बोलोगे, आप क्या सोच बताओगे, आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? सर, बल्कि मैंने तो एग्जाम देने के बाद वो डेट याद करने की कोशिश की जिस दिन मैंने सर आपको ज्वाइन किया था, मैं मतलब सर मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी, मतलब सर जैसे होता है ना घर वाले कई बार हमें फैमिली मेंबर समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा उसने जेई क्यों नहीं हो पाया, तो वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे, तो उनसे बात नहीं हो पाती है, बट आपको सर मतलब कुछ भी बोल सकते हैं टीचर्स को, हम फ्रेंड्स में वो सब शेयर कर सकते हैं, तो वहां से मतलब थोड़ा चेंज आया सर यहाँ पे, निम सेट के लिए ट्राई करा, तो फिर यहाँ सर मैथ्स थी खाली, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी, तो सर यहाँ पर हो गया एल आर वगैरह सब रिलेटेड। और सर आप भी बोलते थे हमेशा कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ाया, नया शुरू कर रहे हैं पढ़ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो डायरेक्टली भी टेस्ट दे सकते हैं, कुछ ना कुछ स्कोर आएगा ही, ना देने से बहुत अच्छा है वो, तो सर मतलब टेस्ट देने से बहुत डर लगता था, फिर सर देना शुरू करा तो कम स्कोर भी होते थे, तो आप बोलते थे स्कोर तो देखो ही मत, जो मतलब दोबारा एनालिसिस से ज्यादा बेटर कर लेगा वो उसकी रैंक आगे ही आएगी, नॉर्मल मतलब कोचिंग में नहीं आती है पर वहाँ पे मेन में आएगी, तो सर वही करा मैंने, फिर एनालिसिस पर ध्यान दिया, और रैंक अभी कम भी आई है तो ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा सर मोरल डाउन हो जाता था बट फिर भी कंटिन्यू रखा, कुछ फ्रेंड्स थे सर वो भी बोलते थे कि एंड तक जो बना रहेगा वही कर पाएगा, तो सर कभी भी छोड़ा नहीं मैंने कि घर का काम है ये भी है कॉलेज भी है, तो कभी छोड़ा ही नहीं सर कि अब करना ही है तो करना है लास्ट है बिल्कुल। वो कितनी अच्छी बात बोली, जो एंड तक बना रहेगा, प्रॉपर मेहनत करता रहेगा, एनालिसिस करता रहेगा, उसका रिजल्ट आएगा, ये सच है बिल्कुल। जी अच्छा करण, आप अपने जूनियर्स को क्या मोटिवेट मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो फाइनल ईयर में और वो सोचते हैं कि फाइनल ईयर के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर, जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब ये प्लस पॉइंट है कि वो अपियरिंग है, और मतलब जैसे वो कॉलेज के साथ कर रहे हैं तो उन्हें मतलब एक मोटिवेशन रहता है कि मतलब सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उन्हें कि हमें बचे हुए टाइम में प्रोडक्टिवली पढ़ना है और ज्यादा, तो उनका बाकी चीजों से वो डिस्ट्रैक्टेड कम रहेंगे और मतलब और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा करण, मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स से भी मुलाकात करूं। हाँ जी हाँ जी सर जी नमस्कार, बधाई बहुत बहुत बधाई हो आपको, के आपकी बिटिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पात्र आप हैं, थैंक मैं यू। नहीं, बधाई के पात्र आप हैं, आप बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा, बड़ा अच्छा ज्ञान और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, इस बधाई के सबसे मेरे से बड़े पात्र आप हैं। देखिए थैंक माँ यू। बाप तो पैसा लगा सकते हैं, पढ़ाने वाले आप हैं, शिक्षा देने वाले ये बच्चे, जो जी जी बच्चे जी आपके पढ़ाइयों को पढ़ा हुआ ग्रहण करेंगे, उनके उसको समझेंगे, उनके माँ बाप भी बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, वो इसका सारा दायित्व तो सब ये आपको जाता है। जी थैंक यू, देखिए थैंक देखिए यू। कक्षा एक से लेके नर्सरी से लेकर उसके सब जितने भी क्लासेस पढ़ी है बच्चों ने, नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन आज तक जो ने आपके यहाँ से 24वीं रैंक प्राप्त किया है आपकी पढ़ाई से, इसके सारे टीचर्स को और आपको इसका श्रेय जाता है। जी, बिल्कुल सच बात है कि अगर अच्छे टीचर्स मिलते रहे समय माँ समय बाप पर पैसे लगा के, देखिए तो माँ बाप पैसे भी करके कुछ भी करके मेहनत मजदूरी करके जिसका जो कारोबार है पैसे खर्च कर सकते हैं बच्चे, बाकी सही बात है। इसका सारा श्रेय टीचर्स को जाता है, आपको जाता है, जी, बच्चे की थैंक मेहनत है, यू। लेकिन पढ़ा तो आपने है ना, जी, ज्ञान तो आपने दिया, तो इसका सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है, आपको जाता है इसका सारा, मेरा जी मानना तो ये है, इसके बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बच्ची ने पेरेंट्स आपकी ने मेहनत की। बड़े, इससे बड़ी गुड़िया ने मेरी वो नीट का पेपर क्लियर करके वो MBBS कर लिए श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से, तभी अरे वाह, मीडिया वाले आए थे तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, उससे बड़ी बेटी CA है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो जी, मेरा तो कहना ये है कि भाई जो हमारे टीचर्स हैं जिस उन्होंने नर्सरी से लेके और आज इस रैंक तक पढ़ा, ये सब सरे आप सबको जाता है, जी, बिल्कुल, अगर थैंक आप नहीं यू, पढ़ाते थैंक यू। तो ये बच्चा आज इस आज आपके सामने लाइफ पे क्यों होता, बच्चे तो वो भी पढ़ रहे हैं, सही तो मैं बात तो है, यही कहूंगा, मेरा आपसे निवेदन है और उन बच्चों से भी निवेदन है जो आप टीचर से पढ़ रहे हैं,
कि भाई अपने टीचर से का जो पढ़ा रहे हैं उनका मान सम्मान करें और उनको उनकी पढ़ाई को ग्रहण करें। उनकी पढ़ाई को ग्रहण करके अपने घर का, अपने कुल का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा बस लगा आपसे बात करके। एक सर, बार आप फिर से आपको बधाई लोगों जी, को जाता कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू सो मच। यू।